हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। गाइस आज बात करने वाले हैं हम मैक्सिमा मैक्स प्रो एक्स प्रो स्मार्ट वॉच के बारे में। गाइस मैक्सिमा जो कि एक नॉन स्मार्ट वॉच ब्रांड रह चुकी है ना, काफ़ी अच्छी ब्रांड रह चुकी है अपने टाइम पर, वो धीरे धीरे खुद को इवॉल्व कर रहा है स्मार्ट वॉचेस की तरफ। एंड गाइस मैक्सिमा मैक्स प्रो एक्स टू के बाद जो है कंपनी लेके आने वाली है मैक्सिमा मैक्स प्रो एक्स फोर स्मार्ट वॉच। गाइस जो स्मार्ट वॉच की स्पेसिफिकेशंस हैं एंड गाइस इसका जो लुक है, डिज़ाइन है, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाली है गाइस। तो आज की इस वीडियो में जो है इसी स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हमें कुछ एडिशनल देखने को मिलता है, क्या कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स हमें स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाता है। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में तक बने रहना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम बिल्ट इन डिज़ाइन की। तो गाइस आपको बता दूँ उसमें आपको 1.3 इंच की TFT IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी एक्यूरेट कलर मिलने वाले हैं। ब्राइटनेस भी गाइस 380 nits तक जाने वाली है, तो ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा बॉडी टाइप की गाइस की बात करें तो आपको इसमें हाई डेंसिटी वाली ABS केसिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली जो है प्लास्टिक बॉडी होने वाली है बट हाई डेंसिटी के साथ आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा सिलिकॉन के एंड मैश बैंड स्ट्रैप्स ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं, जिसमें आपको एक मैश बैंड एंड 3 जो है सिलिकॉन स्ट्रैप्स अवेलेबल होने वाले हैं ऑप्शंस में। इसके अलावा वेट की बात करें तो गाइस जब 42 ग्राम आपका वेट देखने को मिल जाता है स्ट्रैप के साथ इस वॉच का, एंड विदाउट स्ट्रैप का जो वेट है गाइस वो 22 ग्राम के आसपास आपको वेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस आपको साइड में एक जो है क्राउन बटन देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये है इसकी फिजिकल ओवरव्यू एंड डिजाइनिंग। इसके अलावा गाइस बात करें अगर हम हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो आपको इसमें गाइस 24/7 हार्ट रेट सेंसर, SpO2 लेवल मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें गाइस कंपनी ने यूज़ किया है LC11 हार्ट रेट सेंसर जो कि काफ़ी एक्यूरेट डेटा शो करता है। इसके अलावा गाइस आपको स्लीप मॉनिटरिंग देखने को मिल जाती है, 10 डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। गाइस अगर बात करें हम कनेक्टिविटीज़ एंड नोटिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 5.0 ब्लूटूथ वर्जन मिलता है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस से। एंड गाइस इसके अलावा नोटिफिकेशंस की बात करें तो आपको ऑल सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, कॉल के नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। आप कॉल पिक नहीं कर सकते बट जो है कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस आपको इसमें म्यूज़िक का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। बात करें गाइस बैटरी एंड बैकअप की, तो गाइस कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने जो है कैपेसिटी है बैटरी की, कितने एमएच की बैटरी मिलती है, बट कंपनी ने बोला है कि ये 15 डेज जो है टिपिकल यूज़ में आपको बैटरी बैकअप दे देगा। इसके अलावा 9-10 डेज देगा नॉर्मल यूजर्स में एंड गाइस हैवी यूजर्स में 5-6 डेज का बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ गाइस आपको इसमें मैग्नेटिक पावर पिन चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जनरली 2 आवर्स का टाइम आपको इसमें लग जाएगा चार्ज करने में 0-100%। इसके अलावा इस कंपनी ने जो मेंशन किया है, इन्होंने सीगो प्रोडक्शन बोर्ड का यूज़ किया है जिससे मॉनिटरिंग कर सकें हाई वोल्टेज एंड डीप जो है इसकी डिस्चार्ज ना हो बैटरी। तो ये जो चीज़ एडिशनल हमें देखने को मिलती है अच्छी बात है, इससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। गाइस बात करें अगर हम डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट की, तो आपको IP68 सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा इस वॉच में, जिसका मतलब है कि आप 1.5 मीटर गहरे पानी में लेके जा सकते हैं। एंड साथ साथ गाइस ये डस्ट प्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड जो है स्प्लैश प्रूफ हो जाती है वॉच। इसके अलावा गाइस बात करें कुछ हम अदर अट्रैक्टिव फीचर्स की, तो आपको सेम गाइस वही अलार्म क्लॉक जो है टाइमर मिल जाएगा, स्टॉपवॉच मिल जाएगा, D&D फाइंड माय फोन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड एक एडिशनल चीज़ गाइस आपको जो है इसमें 100+ वॉच फेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो आप जो है बार बार जो है वॉच फेसेस को चेंज करके अपने वॉच का लुक चेंज कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं गाइस इस स्मार्ट वॉच के की फीचर्स की या फिर हाइलाइटेड फीचर्स की, हमें क्या एडिशनल देखने को मिलता है इस वॉच। सो गाइस बात करें कि हमें क्या कुछ एडिशनल या फिर अट्रैक्टिव देखने को मिलता है स्मार्ट वॉच में, तो गाइस सबसे पहली चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है इसका डिज़ाइन क्वालिटी। गाइस डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम लुक देखने को मिलने वाला है स्मार्ट वॉच से एंड प्राइस को जस्टिफाई करने वाला इन टर्म्स ऑफ लुक, तो काफ़ी अच्छी लुक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस जो कंपनी ने चिपसेट यूज़ की है इस स्मार्ट वॉच में, वो है रियलटेक की चिपसेट है एंड रियलटेक की जो चिपसेट है जानी जाती हैं स्मूथ ऑपरेशंस के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बनाने वाला है स्मार्ट वॉच को बाय करने का। इसके अलावा गाइस जो तीसरी चीज़ मुझे देखने को मिली है वो इसका वेट मैनेजमेंट। गाइस जस्ट 22 ग्राम वेट आपको देखने को मिलेगा विदाउट स्ट्रैप एंड स्ट्रैप के साथ 42 ग्राम का वेट हो जाने वाला है, तो काफ़ी लाइट वेट रहने वाली है स्मार्ट वॉच एंड काफ़ी जो है आपको अच्छा फील होने वाला है जब आप इसको वेयर करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस जो चौथी चीज़ मुझे अच्छी लगी है स्मार्ट वॉच में, वो है सीको प्रोटेक्शन बोर्ड कंपनी ने जो यूज़ की है जो इसकी चार्जिंग है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, ताकि ओवरचार्ज ना हो एंड जो है डीप
डिस्चार्ज ना हो बैटरी, तो ये चीज़ें जो है एडिशनली देखने को मिलेगी एंड जो अलग देखने को मिल जाती है स्मार्ट वॉच में जो इसको खास बनाते हैं। तो आपकी क्या राय है इन चीज़ों को लेकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो से नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।